हेलो दोस्तों, मैं सतीश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है आबयू, किसी भी एग्जाम की बात करें, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या किसी भी जैसे ईपी बोर्ड की बात करें, मैं आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बताता जाऊँगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी जो क्वेश्चन है कुछ, उन्हें भी मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा क्वेश्चन कैसे कहाँ किस पर कॉन्सेप्ट पर बनता है। तो देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको बोला जाता है आबयू। क्या है आबयू? आबयू एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी एलिमेंट या नंबर्स का, जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में सेट करना होता है। आपने देखा होगा इनको बोला जाता है रो और इनको बोला जाता है कॉलम। इस प्रकार यहाँ जो आता है उनको एलिमेंट बोला जाता है या एंट्रीज बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है अवयव या इसी को बोला जाता है प्रविष्टियाँ। और इसको एक आयताकार शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसका जो दूसरा सिंबल, इसको भी इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल, अगर आपने सिंगल कर दिया तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, अगर डबल कर दिया तो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपकी जो सिलेबस में है वो ये वाली साइन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो आपको और इससे आगे बताएं, इसको ये इसके सिंबल हुए और डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, यानी इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी और डी। जैसे आपको बताया ए बराबर जे आ, कोई मैट्रिक्स है, इस प्रकार डिनोट किया जाता है। और आपको इससे इसके बाद आपको बताएं एंट्रीज, इनको एंट्रीज बोला जाता है, एंट्रीज इन्हीं को बोला जाता है एलिमेंट और इसी को बोला जाता है अवयव और इसी को बोला जाता है प्रविष्टि। वो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, कई बार मुंह से बोला है तो आप लिख लेना। इन्हीं को बोला जाता है एंट्रीज, इन्हीं को बोला जाता है एलिमेंट, इन्हीं को बोला जाता है अवयव, इन्हीं को बोला जाता है प्रविष्टियाँ। और इस सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है, इनको कैपिटल लेटर ए बी सी डी इसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर आपको दिख रहा है? देखूं, दिख रहा है तो हटा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये बेसिक जानकारी है, आपके माइंड में होनी चाहिए, उसको आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्या होता है मैट्रिक्स। आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर, ऑर्डर जिसको बोला जाता है कोटि, इसी को बोला जाता है क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मानक चलो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इसमें इस प्रकार आपकी रो होती हैं, इस प्रकार आपके कॉलम होते हैं। तो आपके ये एक रो, दो रो, थ्री रो यानी तीन रो और एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो आपकी मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर रहा 3x3। तो यानी कहने का मतलब जो ये जो होता है यही इसी को बोला जाता है ऑर्डर, यानी किसी भी नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी इनका प्रोडक्ट के रूप में जो डिफाइन करते हैं, यानी प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर कहलाता है। जैसे आपको प्रोडक्ट के रूप में लिख दे, वो जैसे आपका एम, ये आपका मान के चलो मैंने मान लिया आपके पास थ्री हुई रो और थ्री हुई कॉलम, थ्री तो इसके रो हुई और थ्री आपके कॉलम हुए, तो 3x3। यानी एक क्वेश्चन जैसे माने का आपको बता देता हूँ, आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आपका 2x3 है, इसका जो प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट यानी ये 2x3 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर भी इसका 2x3 ही होगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनका प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही ऑर्डर कहलाता है और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब 6, किसी भी रो में 6 एलिमेंट है, यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ 6 होते हैं, जैसा कि आपके इस पे क्वेश्चन भी हैं आपके एनसीईआरटी बुक में,
देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप भी ये बराबर ये आपके पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स गिवन है, ज्ञात कीजिए आप भी की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x3 पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड इसी में है नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या आपके पास 9 हुई, यानी इसका प्रोडक्ट कर दो तो 9 हुई, तो आपके पास अवयव निकालने हैं, एलिमेंट निकालने हैं, तो A13 और A21, A33 आपके पास मैट्रिक्स इसमें गिवन है क्वेश्चन में, तो ए देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है में गिवन है, देख दिखा देता हूँ आपके पास, हटा देता हूँ इसको, बेसिकली मैं आपको कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट अलग बता देता हूँ, पर आज पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। ए बराबर 2, 5, 9, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12 और √3, 1 - 5, 17। इस प्रकार आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और इसमें पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है इसी में A13 और A21, इसी में A33, A24 और A23, और इसी में मैं पूछ लेता हूँ अपनी तरफ से A27, इसको बताइए आप, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन रहा है, आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर। देखिए ऑर्डर है आपका 3x3, 1, 2, 3, 3 तो रो हुई और 1, 2, 3, 4 इसमें जो आपके जो हुए कॉलम्स हुए 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यानी ऑर्डर जो हुआ 3x4 का, और इसी का जो प्रोडक्ट फॉर्म में रखना ऑर्डर कहलाता है, उनका मल्टीपल फॉर्म में करना, इनका गुणा करना, उसका एलिमेंट कहलाता है, चौथी बार है। और इसका जो आपको तीसरे क्वेश्चन में 1, 3 निकालना है, जैसे पहली रो में जो रो इसका जो फॉर्मेशन होता है, किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है AIJ के फॉर्म में होता है, आई नंबर ऑफ रो होती हैं, नंबर ऑफ रोज, और जे होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। पहले वाला जो लिखा जाता, फर्स्ट जो एलिमेंट आता है वो रो का आता है, सेकंड जो एलिमेंट आता है वो कॉलम का आता है, तो पहला जो एलिमेंट है रो और सेकंड एलिमेंट है 3 जो कॉलम है, तो पहली रो यानी ये वाला, और सॉरी पहली रो और कॉलम है तीसरा, यानी पहली रो में तीसरा कॉलम, यानी इसका आंसर हुआ 19। और दूसरा वाला दूसरी रो फर्स्ट वाला, दूसरी रो फर्स्ट वाला, यानी इसका आंसर हुआ 35। और तीसरा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी आपका -5, और 24 यानी दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम यानी 12, और दूसरा रो तीसरा यानी 5/2। और इसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्यों, इसमें रो दूसरी रो मान लिए और सातवां कॉलम है, येस और नॉट नहीं है, तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, तो ये नहीं, इसका आंसर नहीं दे पाओगे आप, ये गलत है क्वेश्चन। इस प्रकार तो आपको क्वेश्चन पूछने वाले से पहले देख लेना चाहिए आंसर, ये क्वेश्चन सही पूछ रहा है या गलत। तो इसके बाद हम थोड़ा बहुत और बता रहे थे ऑर्डर के बारे में बताया, तो उससे जो मैंने थोड़ी जानकारी बताई बेसिक नॉलेज में ही पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे टाइम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ऑर्डर पर हम बता रहे थे। ऑर्डर में देखिए कुछ एलिमेंट आपके पास गिवन होते हैं, आपके पास कोई एलिमेंट गिवन है, मान चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, मान चलो 10 गिवन है, तो देन हाउ मैनी पॉसिबल, यानी पॉसिबल मैट्रिक्स यानी ऑर्डर, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताइए, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स।
या ऑल पॉसिबल ऑर्डर भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स या ऑर्डर बात एक ही है, तो बताइए यानी आपके पास 10 दिया है या 20 दिया है या 18 गिवन है या कुछ भी गिवन है, आपकी किताब में कितना है पता नहीं या 20 गिवन है, जो भी है जैसे ही आपको बताए तो इनका क्या करना होता है आपको पता है? आपको इनका प्राइम फैक्टर करना होता है। क्या करना पता है? प्राइम फैक्टर। इसके फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 10 और 10 × 1, और इसके करेंगे आप 10 के करेंगे 2 × 5 और 5 × 2। इस प्रकार आप करते जाएंगे तो इसके हाउ मैनी पॉसिबल जो कितने मैट्रिक्स होंगी, तो इसके 4 मैट्रिक्स बनेगी यानी 4 ऑर्डर ही होंगे, जितने ऑर्डर उतने मैट्रिक्स, ये 1/10, 10 × 1, 2 × 5, 5 × 2, यानी टोटल कितने हुए 10। और देखिए आपकी NCERT जो बुक है उसमें देखिए तुम्हारा दिखा देता हूँ, इसमें यदि किसी अभ्यूह में 24 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, तो इसकी ऑल पॉसिबल कोटियाँ यानी ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताइए, ऑल पॉसिबल ऑर्डर बताइए, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो हाउ मैन जो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी होगी, तो 24 हैं, 24 के फैक्टर करेंगे 1 × 24, हटा देता हूँ इसको, ये आपको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं आगे चल के, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा, उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पर 2-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। तो 24 है तो 24 के 1 × 24 और 24 × 1, इसके करेंगे 2 × 12 और 12 × 1, इसके करेंगे 6 × 4, 4 × 6, और इससे आगे कुछ हो सकता है नहीं, आरती 24, 3 × 8, 8 × 3, और इससे आगे तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर या मैट्रिक्स, तो कितने बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने बनेंगी मैट्रिक्स, 8 मैट्रिक्स बनेगी, ये आपकी कोटियाँ हुई। तो और इससे आगे क्या है, यदि इसमें 13 एलिमेंट हो तो 1 × 13, 13 और 13 × 1 यानी 2 और बढ़ जाते हैं, तो 8 और 2, 10 तो मैट्रिक्स हुई और ऑर्डर ये हुए आपके पास। तो आप देख लेना आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी से होगा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन वो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल भी इसी के द्वारा आप कर सकते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 4 जो 2 है इसी पे बेस्ड है। तो थैंक यू डियर, आप हमारी वीडियो को आगे देखते जाइए और सभी को बताइए, इसी प्रकार हम आपको बताते जाएंगे, हमारा रटाने का मतलब नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को समझाना, तो आपको हम डिटेल में समझाएंगे किस प्रकार आपको हमारी वीडियो आगे ऐसे ही मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।